माननीय अध्यक्ष जी, 100 साल में आई हुई ये भयंकर बीमारी, महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बटा हुआ विश्व, इस स्थिति में भी, इस संकट के माहौल में भी देश को जिस प्रकार से संभाला गया है, देश जिस प्रकार से संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है, गौरव से भर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनौतियों के बिना जीवन नहीं होता है, चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन चुनौतियों से ज्यादा सामर्थ्यवान है 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा। 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य चुनौतियों से भी ज्यादा मजबूत है, बड़ा है और सामर्थ्य से भरा हुआ है। कितनी बड़ी भयंकर महामारी, बटा हुआ विश्व, युद्ध के कारण हो रहे विनाश, अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है, कई देशों में भीषण महंगाई है, बेरोजगारी, खाने पीने का संकट, और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है।